हेलो दोस्तों, डाउटनेट पर आपका स्वागत है। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ अपने बायोलॉजी के भी डाउट को क्लियर कर पाओगे, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाउटनेट नामक ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको इस डाउट वाले ऑप्शन पर, डाउट वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी आपको फोटो खींचना है। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो इसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्रॉप कर देना है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए, ओनली क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है ऐसे। इसके बाद इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो सोल्यूशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। हेलो दोस्तों, कुछ आज मैं आपको ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम पर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दी गई है, उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं अच्छी अच्छी पिक पोस्ट करता रहता हूं और आपको जानकारी बेहतरीन मिलती रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री कविता लिखती हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो स्त्री कविता लिखती हो उसको हम लोग बोलते हैं कावित्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? कावित्री। इसके बाद है बहुत तेज बुद्धि वाला। जो बहुत तेज बुद्धि वाला इंसान होता है उसे हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। उपकार को मानने वाला, जो उपकार को दोस्तों तो मानने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना की जा सके। जिसकी दोस्तों हम कल्पना कर सकते हैं उसको बोलते हैं कल्पनीय। क्या बोलते हैं? कल्पनीय। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका दमन किया करना कठिन हो। क्या हो? जिसका दोस्तों दमन करना बहुत ही कठिन हो उसे हम बोलते हैं दुर्दमनी। क्या बोलते हैं? दुर्दमनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक आ गया है। आने वाली 18 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम है तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे तो एक मार्क दिलाएगा, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार ना हो। क्या हो? जिसका कोई आकार ना हो उसको हम लोग बोलते हैं निराकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? निराकार। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम बोलते हैं दोस्तों निर्मम। क्या बोलते हैं? निर्मम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाले को हम बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर बोलते हैं इसको पितृहंता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये वीडियो में मैंने 9 ही क्वेश्चन अटेंड किए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 2020 के लिए NDA, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि की सभी की, पॉलिटेक्निक, ITI, BSc, BHU, इन सभी की जानकारी एंड NDA एयरफोर्स की प्रिपेयरिंग के लिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ट्रिक एंड टिप्स फुल वीडियो दी जा सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।